हेलो फ्रेंड्स, आज हम मटर पुलाव बना रहे हैं। सो उसकी रेसिपी आपको दे रहे हैं। सो इसमें मैंने मेजर इस तरह किया है कि ये जो इतना बड़ा ग्लास है, सो हमने ये भर के चावल इसको 20 मिनट धो के भिगाए पानी में। सो इसी तरह ये हम तकरीबन सवा ग्लास पानी इसमें यूज़ करेंगे पकाने में। सो एक ग्लास राइस, उसके लिए सवा ग्लास पानी, और ये थोड़ी सी वाइट अनियन है ये यूज़ करेंगे। ये हमने फ्रोजन मटर लिए हैं 1 बड़ा कप। आप चाहें तो फ्रेश ले लें, या फ्रोजन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 चमचे बड़े, और थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे। और ये हमारे साबित गरम मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून हमारा ज़ीरा है, 2 बड़ी बर्डमन है जो कि अभी हम इनको थोड़ा सा क्रश करेंगे, 2-3 लौंगे हैं, दालचीनी और बे लीव्स एंड सॉल्ट मीरा। सो ये हमारे मटर पुलाव की रेसिपी बन रही है। चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने पैन ऑलरेडी रख दिया है चूल्हे पे। हाय दोस्तों, हमारी मटर पुलाव की रेसिपी बन रही है। सो हमने अभी इस तरह का चमचा 1.5 ऑयल डाला है, और मसाले हम आपको दिखा चुके हैं। सो चले रेसिपी की तरफ। राइट, हमारा जो है पैन अच्छा सा गर्म हो गया है। सो हम इसमें अनियन ऐड करें, और अनियन हम हल्की सी ब्राउन करेंगे, हमें रेड नहीं करनी। सो उससे हम फिर गरम मसाला सारा ऐड कर देंगे इसमें। कहते हैं कि अगर अनियन में नमक डाल दिया जाए तो वो जल्दी हो जाती है, तो हम ये 1/2 टीस्पून नमक ऐड करें इसमें। ऑलराइटी, हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। तो हम ये गरम मसाले क्विक और 1 अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून सेकेंड इसको सॉफ्ट होने देंगे, थोड़ा सा ये कुक हो जाए जिंजर गार्लिक, देन वी ऐड पीस मटर। हो गया ये, स्मेल्स सो गुड। हम पीस डाल के भूनेंगे। ये हमने पीस ऐड कर दिए। थोड़ी आंच बढ़ा लेते हैं। अभी थोड़ा सा मे बी 5 सेकेंड इसको, उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे, और पानी बॉयल होने के चावल डालेंगे। सो सिंपल बट सो डिलीशियस। ओके, हमारे 5-6 सेकेंड हो गए, ये कुक फ्राई हो चुके हैं मटर। इनको ज़्यादा कुक नहीं करना, वो चावल के साथ ही पकेंगे। इसमें पानी डाल रहे हैं। अब पानी को उबाल आने तक हम लिड बंद करके इसको बॉईल करेंगे, और जब उबलते हुए पानी में फिर हमने जो ये चावल सोख हो गए थे भिगा के और उसको ड्रेन करके रखा है, तो ये डालेंगे। ओके, वाटर गेट बॉइल्ड, पानी बड़े जोर शोर से बॉईल हो रहा है। तो हम इस कंडीशन में हम ये 1
बिग टेबल स्पून जो है योगर्ट, इससे जो है आप देखिए राइस का टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होगा और राइस बिल्कुल खिले खिले बहुत अच्छे बनेंगे। और इसके साथ ही हम जो चावल है इसमें डालेंगे। This is my lifesaver. So, इसको हम तेज आंच में इसी तरह बनाएंगे और उसके बाद जब पानी थोड़ा ड्राई होने लगेगा फिर हम इसका लिड बंद करके उसको दम पे लगाएंगे। तो 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। 6 मिनट इस तरह से इसको पकने देंगे। Okay. और जब थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाएगा फिर दम पे लगाएंगे 2-3 मिनट के लिए। सो सुपर क्विक रेसिपी। सो इसको हम हमारा पानी ऑलमोस्ट ओके अब हम इसका चूल्हा स्लो कर देते हैं। अभी तो फुल आंच में हमने 5-6 मिनट रखा, स्लो कर देते हैं इसका चूल्हा। ओके ये देखिए जब हम पुलाव बना रहे हैं तो फिर पुलाव ही बनाए ना, मटर पुलाव। सो पुलाव की सारी लवाजमात तो होने चाहिए। इसके लिए हमने ये 2-3 पिंच सैफ्रॉन को इसमें हमने मिल्क में गरम दूध में उसको घोला है और ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसके दम हो रहा है अभी तैयार नहीं है। सो इसको हम थोड़ी सैफ्रॉन की खुशबू लेंगे हम आफ्टर 5 मिनट। ओके हमारा राइस मटर पुलाव रेडी। टर्न ऑफ द हीट। ओह इट स्मेल्स सो गुड। डिश आउट टाइम। वाओ सैफ्रॉन का कलर देखें जरा क्या जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त अपीयरेंस इसकी जो है लुक इसका बहुत अच्छा है। गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी। ओके धुआं निकल रहा है